बाबूलाल मरांडी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीएम सोरेन पर साधा निशाना, कहा हेमंत सरकार में राज्य में आतंक बढ़ा। रामगढ़ में बीजेपी की ओर से किया गया राशन वितरण, पीएम के कार्यकाल के 7 साल पूरे होने पर कार्यकर्ता खुश, लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील। गिरिडीह में एमपीडब्ल्यू कर्मियों का प्रदर्शन, काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे कर्मी अपनी मांगों को लेकर अड़े। देवघर में बन रहे एयरपोर्ट का निरीक्षण, सांसद निशिकांत दुबे ने लिया एयरपोर्ट का जायजा, मौके पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के पदाधिकारी रहे मौजूद। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा, स्वागत है आप सभी का। बात झारखंड की में, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार की आतंक ज्यादा हो गया है सरकार में और तरक्की के मामले सरकार ने मौन धारण कर लिया। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहिबगंज में जमीन से जुड़े मामले में पीड़ितों ने अपना पक्ष रखा और सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। मैं 2-3 लोग रहते हैं, लेकिन आप सब लोग देख रहे होंगे कि शायद अजनबी कई लोग बैठे होंगे, तो थोड़ा पहले तो मैं उन सब लोगों के परिचय करा देता हूँ। और मेरे बाईं तरफ जिनको आप देख रहे हैं, ये मुकेश शुक्ला जी हैं और वो पिंकू शुक्ला, ऐसे पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी। अब सब लोग देख रहे होंगे कि सामान्य तौर पर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 लोग रहते हैं, लेकिन आप सब लोग देख रहे होंगे कि शायद अजनबी कई लोग बैठे होंगे, तो थोड़ा पहले तो मैं उन सब लोगों के परिचय करा देता हूँ। और मेरे बाईं तरफ जिनका झारखंड में अनलॉक को लेकर सीएम सोरेन की ओर से तमाम दलों की प्रतिक्रिया मांगी गई है। अनलॉक पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने की इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की। साथ ही प्रवक्ता ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत नियमों में रियायत के समय में बदलाव लाने का सुझाव भी दिया है। 20-20 दिनों में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में पाबंदियों के तहत कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने में माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता के सहयोग से सफलता पाई है, पूरे देश में एक उदाहरण बना है और सरकार ने यह भी पूरे देश को बताने का काम किया है कि बिना लॉकडाउन किए हुए भी सख्तियां बरतते हुए हम कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोक सकते हैं। लगातार माननीय मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ये कहते रहे कि जीवन और जीविका दोनों साथ चलना है। झारखंड में अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर राज्य की तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने सुझाव दे रही हैं। अनलॉक पर सुझाव देते हुए बीजेपी ने लॉकडाउन से संक्रमण के आंकड़ों में आई कमी को देखते हुए अनलॉक में राज्य सरकार से सुदृढ़ व्यवस्था करने की मांग की। जनता पार्टी इस चीज में विश्वास करती है कि हमारे जो भी नागरिक हैं वो कोरोना से संक्रमित ना हो और साथ ही साथ उनका जीविकोपार्जन भी चलता रहे, उस दृष्टि से व्यवस्था करना राज्य सरकार का दायित्व है। बीजेपी महिला मोर्चा जिला महामंत्री सह सांसद प्रतिनिधि सारिका राठौर की ओर से मोदी जी की 7 साल पूरा होने पर रामगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में गरीब ग्रामीणों को सूखा राशन, मास्क आदि वितरित किया गया।
साथ ही ग्रामीणों के बीच वैश्विक महामारी कोरोना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए ग्रामीणों से वैक्सीन लेने का अनुरोध भी किया गया। कार्यक्रम के मैं जिला महामंत्री रामगढ़ महिला मोर्चा से सह सांसद प्रतिनिधि महिला एवं बाल कल्याण की आज हम लोगों ने मोदी जी के 7 साल पूरा होने की खुशी में सेवा सप्ताह मनाया है, जिसके बीच में हम लोगों ने गरीबों को राशन, सूखा राशन, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन का वितरण करते हुए उनकी तमाम समस्याओं को सुनते हुए उन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया, क्योंकि उन लोगों के बीच में तमाम अफवाहें फैली हुई थी वैक्सीनेशन उनके लिए नुकसानदेह है और वो लगाने से उनको नुकसान होगा। तो हम लोगों ने उसको बोला कि नहीं, है वैक्सीनेशन हर किसी बूढ़े बुजुर्ग जवान सबके लिए ही अच्छा है, इसको लगाने से आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। हम लोगों ने उनको समझाते हुए वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक किया है और हम लोगों ने अपनी पूरी महिला मोर्चा की टीम की तरफ से हम लोगों ने आज सेवा दिवस में एक तरफ जहां पूरे देश में कोरोना महामारी से बचाव के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, इसी बीच पाकुड़ में नया प्रयोग मोबाइल वैक्सीनेशन वैन लॉन्च किया गया। क्या ये मोबाइल वैक्सीनेशन वैन, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। झारखंड में शुरू हुआ नया प्रयोग, जिले में घूमेगी मोबाइल टीकाकरण वैन, घर घर पहुंचेगी मोबाइल टीकाकरण वैन, मोबाइल वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत। वैन को डीसी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। टीका लगाने घर घर पहुंचेगी स्वास्थ्य विभाग की टीम। मोबाइल वैक्सीनेशन वैन के जरिए होगा टीकाकरण। झारखंड में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिलाने के उद्देश्य से राज्य के कई जिलों में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन से टीकाकरण की शुरुआत की गई है। वैन जिले के सुदूरवर्ती इलाकों में जाएगी और टीम लोगों का टीकाकरण करेगी। इस वैन को डीसी कुलदीप चौधरी ने जिले के कई प्रखंडों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मौके पर जिले के सीएस और जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही वैन रवाना करने के बाद उपायुक्त ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण भी किया, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन समेत अन्य कार्यों का जायजा लिया। आज यहां पर जिला स्तर से 2 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन्स को हम लोगों ने रवाना किया है। ये वैन्स पूरे जिले में क्षेत्र में जाएंगे, वहां पर लोगों को मोटिवेट भी करेंगे और ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन का कार्य भी करेंगे। प्रखंड में भी मोबाइल वैक्सीनेशन को और आवश्यकता के अनुसार बढ़ावा देने के लिए सभी MYCs, BDOCOs को निर्देश दे दिया है कि ब्लॉक्स में भी, खास करके जो दुर्गम क्षेत्र जहां पर है, टिटीपाड़ा, अमरापाड़ा इत्यादि में भी इस प्रकार की ब्लॉक स्तर से भी मोबाइल वैक्सीनेशन टीम्स बनाई जा रही हैं, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को कवरेज किया जा सके। क्या सफल हो पाएगी सरकार की वैक्सीनेशन नीति? कितनी मददगार साबित होगी वैक्सीनेशन वैन? वैक्सीन को लेकर फैलाई गई अफवाहें, मोबाइल वैक्सीनेशन वैन शहर और गांव में घूम घूम कर आम नागरिकों को टीका लगाने का काम करेगी, जिससे आम जनता को इससे राहत मिलेगी। आज के दौर में भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें कोरोना के टीके के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती है और शायद यही वजह हो सकती है कि कई लोग टीकाकरण से दूर हैं, जिन्हें अब तक वैक्सीन नहीं लग पाई है। अब देखना होगा कि कोरोना वैक्सीनेशन वैन से लोगों को कितनी राहत मिलती है। डेस्क रिपोर्ट, VIP न्यूज। बाबा रामदेव के एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को लेकर विवादित बयान पर राज्य भर के डॉक्टरों ने उनके खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्य भर के निजी और सरकारी डॉक्टर बाबा रामदेव के बयान के विरोध में काला बेल्ला लगाकर अब काम कर रहे हैं। वहीं विरोध में शामिल जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विकास कुमार ने कहा है कि लड़ाई एलोपैथ और आयुर्वेद के बीच नहीं है, बल्कि बाबा रामदेव के बयान के विरोध में है। देखो, आयुर्वेद हो या योगा हो, हम सबका समर्थन करते हैं। हमें सिर्फ इस बात से दिक्कत थी कि इस कोरोना काल में जहां सारे पद्धतियों के बीच में सारे पद्धतियों को आपस में मिलकर काम करके लोगों को भलाई करने की आवश्यकता थी, वहीं बाबा रामदेव ने ऐसा बेतुके बयान को देकर एलोपैथ वर्सेज आयुर्वेद में एक युद्ध खड़ा कर दिया है। और इस युद्ध से अल्टीमेटली नुकसान किसका है? आम जनता का। बाबा रामदेव का पहला स्टेटमेंट देखें, एलोपैथिक की स्टूपिड साइंस है, जो कि गलत था। उनका दूसरा स्टेटमेंट देखें, जिसमें उन्होंने बोला कि
कोरोना काल में जितनी मौतें हुई हैं ज़्यादा मौत है एलोपैथिक दवाइयों खाने से हुई है। जरमुंडी प्रखंड सभागार में ब्लॉक विकास पदाधिकारी फुलेश्वर मुर्मू की अध्यक्षता में कृषि मित्रों के साथ एक बैठक की गई। साथ ही 45 प्लस के सभी कृषि मित्र को वैक्सीन लेने का निर्देश भी दिया गया। साथ ही साथ जो भी किसान साथी 45 प्लस के हैं उन सभी को वैक्सीन दिलाने का निर्देश भी दिया गया। कृषक मित्रों के साथ हम लोग बैठक किए कि हमारे जितने कृषक मित्र हैं इन लोगों के लक्ष्य हम लोग निर्धारित करके दिए हैं कि हमारे जितने भी KCC होल्डर्स हैं, जितने किसान हैं, इन लोगों को जो 45 साल से ऊपर के हैं, इन लोगों को जो भी हमारा सेशन चलेगा वहाँ पे लेकर आए और वैक्सीन दिलाएं। तो जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है, जो सरकार का जो अभियान है, इसमें हम लोग 100% लक्ष्य को प्राप्त कर सके। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौरान राज्य सरकार ने अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए और रिम्स कोविड सेंटर में जरूरत के अनुसार 27 नर्स और 48 वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल को T&M कंपनी के माध्यम से ज्वाइन कराया गया, जिसके बाद एक एक करके रिम्स प्रबंधन की तरफ से उन्हें काम करने से मना कर दिया गया। साथ ही एक नर्स सुनीता करकेटा की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद मृतक सुनीता के परिजनों, वार्ड बॉय और नर्सों ने मुआवजा और आपदा के समय कोरोना सेंटर की कमान संभालने वाली नर्स और कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर रिम्स में आंदोलन अब शुरू कर दिया है। बोला है हम लोग को रजिस्टर में साइन करने नहीं दिया गया और बोला गया है कि NM लोगों को आज से ड्यूटी करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिम्स प्रबंधक के द्वारा मना किया गया है। कौन मना किया आप लोग को? हम लोगों को नहीं, CNM के एक स्टाफ है उमेश कुमार, वही मना बोले हैं कि रिम्स प्रबंधक को मना, रिम्स प्रबंधक ही मना। अभी तो हम लोग को इस देख के हमें नहीं, किसी का मन भी नहीं हो रहा है इसको देखने का, मन हो रहा है सुविधा कुछ खाने के लिए। 4 महीना बच्चा था उसके बाद में निकाल दिया, 10,000 में अपना घर परिवार भी देखना होता है, क्या करें उसका तो नहीं होगा। इसीलिए हम लोग का सारे सिस्टर वार्ड बॉय जितना भी हमारे साथ है भाई बहन सबको मांग है कि हमारा सैलरी बढ़ाए, और उसका बच्चा है सिस्टर का, उस बच्चे के लिए यही हम लोग का मांग है। अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत MPW कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर काम करना शुरू कर दिया। वहीं 1 जून से लेकर 6 जून तक चलने वाले इस आंदोलन में सभी बहुद्देशीय कार्यकर्ता काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे, जिसे लेकर MPW कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष विनोद वर्मा ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में MPW कर्मी काम कर रहे हैं, लेकिन ना तो उनके मानदेय में कोई वृद्धि की गई और ना ही उन्हें स्थायीकरण करने की दिशा में सरकार कोई पहल कर रही है। झारखंड राज्य MPW कर्मचारी संघ के आह्वान पर गिरिडीह जिला MPW कर्मचारी संघ आज दिनांक 1 जून से काला बिला लगाकर अपना कार्य कर रहे हैं और साथ ही सरकार का विरोध जता रहे हैं। प्रेस मीडिया के माध्यम से सरकार एवं विभाग को अवगत कराना चाहते हैं कि MPW 2008 में नियुक्त किया गया था, आज 13 वर्ष बीत जाने के बावजूद MPW को नियमित नहीं किया गया। काला बैच लगाकर सफाई कर्मी प्रदर्शन करते हुए लगातार, उनका यह कहना कि मानदेय में ना तो वृद्धि हुई और इसीलिए उनका यह प्रदर्शन, उनकी मांगों को हमेशा अनसुना किया गया। गिरिडीह की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। MPW कर्मियों का प्रदर्शन, दुमका स्थित फूलोजानो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को अब ऑक्सीजन की कमी का सामना नहीं करना होगा। फूलोजानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर पाइपलाइनिंग के माध्यम से 100 बेड की आपूर्ति करने वाला ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। ऐसे 100 बेड में से 50 बेड जिला प्रशासन की ओर से और अन्य 50 बेड रहब मुहैया कराए गए। इस बीच दुमका की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने फूलोजानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का जायजा भी लिया है।
जानो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट की तैयारी किया जा रहा है। यहाँ पे 100 बेड को निरंतर 24 घंटा ऑक्सीजन सप्लाई देने के लिए पहल किया गया है। CSR फाउंडेशन अडानी से 50 बेड का ऑक्सीजन प्लांट और 100 बेड का पाइपलाइन का कार्य किया जा रहा है और जिला प्रशासन के द्वारा DMFC से 50 बेड का प्लांट का सैंक्शनिंग हुआ। देवघर में बरने एयरपोर्ट का आज गुड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने निरीक्षण किया। इस दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी भी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। इसी कड़ी में देवघर में बन रहे एयरपोर्ट में सर्कुलेटिंग एरिया, प्रशासनिक भवन और वेटिंग हॉल सहित इसका भी जायजा लिया गया। सांसद ने CM सोरेन पर जमकर निशाना भी साधा है। मंत्री जी से उन्होंने कहा था कि नवंबर में चालू होगा, लेकिन राज्य सरकार की कुछ परेशानियों के कारण ये चालू नहीं हो पा रहा है। उसमें सबसे बड़ा है कि अप्रोच का जो रोड है और जो ये पानी का फ्लो है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, कहीं बाढ़ नहीं आ जाए, ये दोनों चीज़ों में राज्य सरकार काफ़ी निष्क्रिय है और 8 महीने से ये फाइल जो है पड़ी हुई है। मैंने अल्टीमेटम दे रखा है कि ये कोरोना काल ख़त्म होने के बाद यदि 15 दिन के अंदर मेरी फाइल क्लियर नहीं हुई रोड की और ड्रेनेज की, तो मैं यहाँ जो है धरने पर बैठ। अमरनाथ बाड़क ब्यूरो चीफ ऑनलाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अमरनाथ देवघर में एयरपोर्ट अब देखिए तैयार हो रहा, उसी का निरीक्षण यहां पर किया गया। क्या कुछ रहा आज के दिन निरीक्षण के दिन? जी मैं आपको बताऊं कि आज सांसद निशिकांत दुबे ने निर्माणाधीन एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और वहां जाकर के वर्तमान स्थितियों का जायजा लिया और जो एयरपोर्ट के निर्माण में जो आ रहे अड़चन जो आ रही है उसको लेकर के अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट का जो अप्रोच रोड है के लिए फाइल मुख्यमंत्री के पास गया हुआ है, जिसकी मुख्यमंत्री PWD के मिनिस्टर हैं और PWD का प्रभार मुख्यमंत्री के पास है, इसलिए अप्रोच रोड का फाइल जो मुख्यमंत्री के पास जो गया हुआ है पिछले 8 महीनों से लंबित है और इसी को लेकर के सांसद निशिकांत दुबे ने आज मुख्यमंत्री के खिलाफ आज फिर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि कोरोना काल समाप्त होने के बाद अगर 15 दिनों के भीतर अप्रोच रोड की फाइल की स्वीकृति नहीं होती है तो वह यहाँ देवघर को बंद करेंगे और देवघर में एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर के वो धरना पर बैठेंगे। जी पाठक, कितना इंतजार था यहाँ के लोगों के एयरपोर्ट के बनने का और कितनी सुविधाएं लोगों को मिल पाएंगी? जी मैं आपको बताऊं कि देखिए देवघर एयरपोर्ट का फाइनल हो जाना था पिछले नवंबर में ही, इसे चालू हो जाना था। पिछले दिनों नागरिक उड्डयन मंत्री जब देवघर का जब दौरा किया था उन्होंने, उस समय उन्होंने कहा था सितंबर के महीने में उन्होंने दौरा किया था और उन्होंने कहा था कि नवंबर में ये चालू हो जाएगा, लेकिन कोरोना काल के देखते हुए और फिर अभी जो सेकेंड फेज जो आया उसके कारण सामानों की आपूर्ति होने में बाधा पहुंची है, जिसको लेकर के कहा गया कि एयरपोर्ट के निर्माण में बाधा आई है और वह काम स्लो हुआ है। साथ ही साथ कुछ राजनीतिक कहीं की राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता जो है JMM और भाजपा के बीच, वह भी कहीं ना कहीं इस एयरपोर्ट के निर्माण को पूरा होने में कहीं ना कहीं सामने आ रही है और इसी को लेकर के भाजपा सांसद लगातार निशिकांत दुबे जो है वो मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार हमलावर हैं। पिछले कई बार वो एयरपोर्ट के निर्माण में आ रही बाधा को लेकर के उन्होंने अपने फेसबुक वाल पर भी बात का चर्चा किया है, जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री जानबूझ करके इस फाइल को लटकाए हुए हैं, जानबूझ करके वो देवघर के कौन देखा कर रहे हैं, देवघर के विकास कार्यों से उनका पता नहीं क्या ऐसी समस्या है जिसको लेकर के देवघर में विकास कार्य को नहीं होना देना चाहते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जैसे ही देवघर एयरपोर्ट का निर्माण पूरा होगा इससे यहाँ देवघर सहित के आसपास के जितने भी, मैं बताऊं कि बंगाल के भी जो कुछ जिले हैं जो सटा हुआ है देवघर से सटा हुआ है, इसके अलावा बिहार के भी कुछ जिले लोगों को लाभ मिलेगा यहाँ से। मतलब मैं आपको बताऊं कि ये कलकत्ता और पटना के बाद ये सबसे ज्यादा यहाँ पर यात्रियों का एयरपोर्ट से लाभ मिलने वाला है और साथ ही यहाँ पर देवघर में एम्स बन रहा है और यहाँ से लोगों को इलाज के लिए लोग आ भी सकेंगे और साथ ही अगर किसी की तबीयत खराब होता है तो यहाँ से जब एयरपोर्ट जब शुरू हो जाएगा तो एयर एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ से लोग दूसरी जगहों पर जा सकेंगे, इलाज भी करा सकेंगे। जी लेकिन अमरनाथ, मुख्य बाधा कहाँ पर उत्पन्न हो रही है और कितने दिनों से बाधा आ रही है जैसा कि अभी आपने जिक्र किया? जी मैं आपको बताऊं कि पहला तो एक मैंने आपको बताया कि जो पिछले बार कोरोना काल इफेक्ट था, कोरोना के कारण सामानों की आपूर्ति नहीं हो पाई समय पर, एक ये बाधा। दूसरी बार अभी सेकेंड फेज का कोरोना का आ जाना,
उसके कारण से भी सामानों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तीसरा कि राज्य सरकार के स्तर पर भी जो फाइल जिसका निशिकांत दुबे ने चर्चा किया है कि राज्य सरकार इस पूरे मामले को लटकाना चाहती है कहीं ना कहीं, उसी कारण से 8 महीने से उनके पास फाइल ये लंबित है और इसका अप्रूवल नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही जो वाटर लॉगिंग की समस्या जो है एयरपोर्ट के आसपास के जगहों पर, उस ड्रेनेज के लिए भी फाइल गया हुआ मूवमेंट है, वो ड्रेनेज के लिए भी अभी तक कोई स्वीकृति नहीं मिल पाई है। इसके साथ ही वन विभाग को भी कहा गया है जो आसपास के जो पेड़ है एयरपोर्ट के बगल में उनको ट्रिमिंग करने के लिए, उस दिशा में भी कोई काम नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के सांसद कहीं ना कहीं आहत है और उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है सांसद का, इसलिए वो लगातार इसके को लेकर के हेमंत सोरेन के खिलाफ है। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये देवघर एयरपोर्ट जो है ये डीआरडीओ को लेकर के भी एक खास ये कहीं की नजर में रखा गया है। डीआरडीओ को लेकर के भी इस एयरपोर्ट की महत्ता है और यहाँ बगल में त्रिकुट पहाड़ है जहाँ पर बताया जाता है कि कई रक्षा उपकरण भी यहाँ पर रखे जाएंगे, जहाँ से कि दूसरे देशों पर यहाँ से नजर रखी जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ पाठक पूरी जानकारी के लिए। जमशेदपुर में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के अंतर्गत आ रही परेशानियों की वजह से यहाँ कैंसर पीड़ित भगवान भरोसे हैं। एमजीएम जमशेदपुर में एक महिला का इलाज चल रहा था, इलाज के लिए पर्याप्त संसाधन ना होने की वजह से डॉक्टर ने मुख्यमंत्री गंभीर योजना के अंतर्गत इलाज करने के लिए महिला को मोराबाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल भेजा। परिवार को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत इलाज कराने के लिए पेपर वर्क पूरा करने में 20 दिन से ज़्यादा समय लग गया, जिसके बाद सदर हॉस्पिटल में दस्तावेज जमा किए। इसके बाद 10 दिन से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी अस्पताल से कहीं भी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंची, जिसके चलते महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। मखदमपुर में कैंसर पीड़ित महिला के इलाज का जो परेशानी आ रही है मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत, उससे सरकार का जनता को अवगत कराना चाहूंगा कि कैंसर पीड़ित महिला जिसका नाम रसूलन खातून है, 2-3 महीने से कैंसर पीड़ित है और उनका इलाज एमजीएम हॉस्पिटल में हो रहा था और वहाँ पर्याप्त साधन नहीं होने की वजह से मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत फायदा लेने के लिए इन्हें जो प्रोसेस है करने के लिए बोला गया और ताकि इनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सके। कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य के विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, तो वहीं कुछ विभागों के विद्यार्थियों को प्रमोट भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी की ऑनलाइन परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई। ये परीक्षाएं 14 जून से शुरू होंगी। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा ने बताया कि सबसे पहले 4 सेमेस्टर ग्रेजुएशन और 3rd सेमेस्टर पीजी के एग्जाम ऑनलाइन लिए जाएंगे। केसेस को देखते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची ने अपने सभी सेमेस्टर की परीक्षाओं को 14 जून से ऑनलाइन लेने का निर्णय लिया है। यह एक उचित निर्णय है और इस निर्णय से हम सभी छात्र पूर्ण रूप से सहमत हैं। वर्तमान समय की स्थिति और बच्चों के भविष्य को देखते हुए ऑनलाइन एग्जाम ही एकमात्र विकल्प बचता है। जैसा कि अभी विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोरोना महामारी को देखते हुए ये निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय में जितने भी परीक्षा होंगे वो सभी के सभी ऑनलाइन माध्यम से ही कंडक्ट होंगे। ये एक तरीके से उचित निर्णय है क्योंकि अभी देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, ऐसे में पढ़ाई को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ऑनलाइन माध्यम ही एकमात्र सहारा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है। हम लोग सबसे पहले एग्जामिनेशन ले रहे हैं 5th सेमेस्टर ग्रेजुएशन और 3rd सेमेस्टर पीजी, इन लोग का एग्ज़ाम ले रहे हैं। 14 तारीख से हम लोग लेने वाले हैं। इसमें BCA, MCA, BBA, MBA, कॉमर्स या तो MSCIT, अंग्रेजी, इस सब से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये लगभग 6-7 दिन में खत्म हो जाएगा। ग्रेडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां 5 लाख के इनामी नक्सली नूनू चंद महतो ने आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं से लेकर पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। कुख्यात नक्सली, भारी क्षति हुई। 5 लाख का इनामी नक्सली नूनू चंद, जिसे गिरफ्तार किया गया, ग्रेडी की ये तस्वीरें।
तो चलिए इसी के साथ बात झारखंड की, मैं इतना देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।